most important thing. Ek bimari ise keh sakte, this is not an objection, but this is a dangerous disease in the industry. Jise kehte hai. Yeh objection nahi hai, bimari hai. Yeh rog hai. Jisne kahi agenton ki jaan le li. Aur hame bada taajub hota hai. कि जहां पर हम किसी व्यक्ति को एक ऐसा प्रोडक्ट देने के लिए जा रहे हैं कि जब अचानक उसके जीवन में कोई चीज घटना घट जाती है, मान लो कि एक व्यक्ति है, उसने होम लोन लेकर के रखा हुआ है 20 साल का, उसको भरे हुए अभी 4 साल हुए हैं, 16 साल का होम लोन अभी भी बाकी है, उसने जो घर फ्रिज लिया है सेल्स इंडिया से उसकी भी किस्तें जा रही है, उसने जो एलईडी टीवी लिया हुआ है उसकी भी किस्तें जा रही है, उसने अपने बेटे को इंजीनियरिंग करवाने के लिए जिस कॉलेज में डाला है प्राइवेट कॉलेज में उसके लिए उसको एजुकेशन लोन लेना पड़ा था उसकी भी किस्तें जा रही है, वो कमा रहा है महीने का 1-1.25 लाख रुपए, लेकिन उसमें से 60-70 हजार रुपए तो किस्तों में ही निकल जाते हैं। अब ऐसे आदमी को मैं इंश्योरेंस ऑफर कर रहा हूं और उसके बावजूद भी यदि वो आदमी मेरे से ये बोलता है कि यार आप मुझे कितना रिबेट देंगे या कितना कमीशन देंगे, तो मैंने ऐसे लोग देखे हैं, तो नहीं है बी और सी ग्रेड की कैटेगरी के लोग हैं, क्योंकि दीवार कमजोर होगी तभी कोई किली ठोकने की कोशिश करता है, आदमी का कुछ सिद्धांत ना हो तभी लोग उससे ये बात करते हैं, अगर मेरे बोलने में दम नहीं है तभी वो हिम्मत करेगा ना लाइना काचू लिंबू छे वधेरी ना की, समझ में आ रहा है? तो ये मांगता है। तो मैं पहला जो आपसे बात करना चाहता हूं कि व्हाई कस्टमर डेयर्स, क्लाइंट हिम्मत क्यों करता है ये मांगने की, पहला रीजन ये है अनप्रोफेशनल अप्रोच। आप अगर जूते लेने के लिए बुटगल्ली में जाते हैं ना, ठीक है, रिलीफ रोड बुटगल्ली जो है घी कांटा, आप वहां पर जाएंगे ना तो किसी भी दुकान में जाकर के वो बोलेगा ये जूते 800 है, अरे यार 3 दिन पहले मेरा दोस्त लेके गया ना 400 में, क्या तुम भी फालतू का, ठीक है, हम इस प्रकार से बात, आप कोई शर्ट छोटी मोटी दुकान या तो लारी से खरीद रहे हैं तो वहां पर भी अपन भावताल करते, लेकिन आप अल्फा वन मॉल में जाते हैं, आप घुसते पीटर इंग्लैंड के शोरूम में, आप घुसते जॉन क्लेयर के शोरूम में, आप घुसते एरो के शोरूम में, आप क्या करते, कोई शर्ट पसंद आई उठाई, जबान भी निकलती है, मतलब खुलती है ऐसे कि लाओ ना या डिस्काउंट की बात तो करे, जबान भी नहीं खुलती, रीजन एक ने अनप्रोफेशनल वे में अपना कपड़ा रखा था लारी में और दूसरे ने प्रोफेशनल वे में, हो सकता है सेम मटेरियल हो सकता है सेम ब्रांड हो, 150 कोई किसी को देने को तैयार नहीं है और इसको 1500 तक दे देते हैं, रीजन दिखाने का तरीका, प्रोफेशनल अप्रोच, शानदार शोरूम आए, यस सर प्लीज कम, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मेरे को एक शर्ट चाहिए, अच्छा सर साइज बताएंगे आपका L, XL, M कौन सा, मतलब आई थिंक ये आपकी फिटनेस, और बता ऐसा नहीं कि सर आपका ऐसा लगता है कि XL लगेगा, है ना, बोले सर आपकी फिटनेस के हिसाब से लगता है कि यू मस्ट बी नीडिंग एन XL, एम आई राइट सर, बोले यस, आइए ना सर आपके दिखाता हूँ, ये सर देखिए ये अलग अलग, लेकिन जहां तक भाभी जी और आपकी जोड़ी को देख करके मेरे को ऐसा लगता है कि आप ना लाइट कलर पसंद करते होंगे, am I right sir, बोले यार है ना, मैं आपको निकाल करके देता हूँ, why don't you put out on your body and have a trial sir, जाइए ना आइए सर, अरे रीटा जरा इनको लेकर के जा अपने ट्रायल रूम तक, तो बीवी भी साथ में जाती, बोले रीटा को भेज रहा है चक्कर क्या ठीक है, लेकिन इतना प्रोफेशनल है, बंदा आता है सब कुछ एकदम रेडीमेड है ना, वो बोल रहा है भाभी जी टेल मी कैसा लग रहा है, लग रहा है ना आपकी चॉइस के, बोले हाँ एकदम, और मतलब देखो भाभी जी ऐसा है ना कि आपका मैं देख रहा हूं, मतलब यू गॉट अ वंडरफुल अप्रोच, आपका बॉडी, आपका क्या बोलते हैं फिगर वगैरह, तो उसके हिसाब से भाई साहब का भी ड्रेसिंग सेंस वगैरह वैसा होना चाहिए, तो औरत की भी तारीफ कर दी तो औरत बोलती है हाँ साची बात है, डफोड़ दो कपड़ा पहनो मेहनत नहीं पड़ती, तमें अपाओ ओके, तो ऐसा बोल बोल करके वो क्या करता है चिपका, फिर जहां रेट की बात, मतलब ब्रांड में शोरूम में लाइट वाइट सब ऐसे लगाए हुए, रीटा भी एकदम मिनी स्कर्ट पहन के खड़ी हुई है, वो बंदा जो है वो टाई पहन के खड़ा हुआ है ना, जबान नहीं खुलती हमारी,
और एक शर्ट की 2200 बोलेगा एरो की हस्बैंड एम सेज भी हम बोलवा जाते हैं ना 2200 नाना सरस लागे जो ले लो है ना इतनी सरस दुकान इतना सरस कपड़ा है ना हाउ क्या रोड पर मरे रिलीफ रोड पर थी तो मैं उठाई लाओ जाओ रद्दी जो इसे कहते हैं डिफरेंस बिटवीन अनप्रोफेशनल अप्रोच एंड प्रोफेशनल अप्रोच तो जिसका ये प्रोफेशनल अप्रोच नहीं है साहब मड़ो तो खरा इंटरेस्ट आई जैसे अनप्रोफेशनल अप्रोच पूरा समझाने के बाद में पॉलिसी भी प्लास्टिक की थे गया है ना उसके पास में टैब है ना उसके पास में लैपटॉप है कलर पेपर की जेरॉक्स निकाल करके कस्टमर को दे रहा है साहब नवी प्रोडक्ट आई है मैंने इसीलिए आपको एक ना पसंद आने वाली बात बोली थी कि द डिफरेंस बिटवीन अदर कंपनी एंड अवर कंपनी इज कि वी आर चेंजिंग प्रोडक्ट्स बट नॉट चेंजिंग द वे ऑफ सेलिंग जो प्रोफेशनल अप्रोच अपना होना चाहिए ना वो नहीं आता इस वजह से कोई भी आदमी कच्चा लींबू समझ करके भी अपने से कमीशन मांग लेता है सर के लो आपसे पहले तो 40% आप है तो यहां पर दो प्रकार के इंश्योरेंस एडवाइजर होते हैं एक जो मुंह पे मना कर देता है साहब वो नहीं आपको तब हमने जोड़ दी ले ले ऐसा भी नहीं करना है ठीक है और दूसरा चलो साहब वो 45 आप ही पर धंधा ऐसा भी नहीं करना बनना है तीसरा ठीक है दैट इज विद प्रोफेशनल अप्रोच बढ़िया तरीके से बात लेट मी टेल यू अबाउट मी व्हेन आई एंटर्ड इनटू एलआईसी ना तो जहां पर कमीशन देने की आदत हो वहां पर ऐसे लोग मिल ही जाते हैं कि जिनको फ्री में ट्रेनिंग लेता है तो कई सारे डेवलपमेंट ऑफिसर बोलते थे हमारा त्या फ्री में करो तो पछि आगे विचारिए और जितने भी मेरे साथी डेवलपमेंट ऑफिसर यहां पर बैठे हुए हैं उन सबको मालूम है मैंने आज तक 26 जनवरी से लेकर के अभी तक कॉमन टू अनकॉमन ने 160 से ज्यादा सेमिनार किए एक सेमिनार हमने फ्री में नहीं किया नेवर रीजन रीजन सिर्फ इतना कि मैं बी और सी ग्रेड की हीरोइन नहीं हूं आई एम अ दीपिका पादुकोण आई एम प्रियंका चोपड़ा ठीक है तुम मेरे को बोलोगे कि सुई जा तो तेरा आप ये ट्रेनिंग नहीं दम असे तमे नहीं आपो साला हॉलीवुड में दिल्ली आई पण दिस सो गॉट अ प्रोफेशनल अप्रोच अपने आप को बनाओ ऐसा अपन जाते ही एकदम जीन्स टी शर्ट सब डाल के ये सब बढ़िया सा पहन करके जाना है ठीक है देखते हैं आगे नंबर टू तो ये जो है ना अनप्रोफेशनल अप्रोच इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है गेट अ प्रोफेशनल अप्रोच करना क्या है एकदम मस्त तरीके से कल्पेश भाई हैव अ लुक ऑन इट प्लीज इसको शुरू करो जरा एकदम प्रोफेशनल अप्रोच रखना है ताकि कोई हमसे हिम्मत ना करे है ना बी प्रियंका चोपड़ा डोंट लाइक बी लाइक बी योर सीक्रेट हीरोइन ठीक है जब अपन अपने आप को वैसे रखेंगे ना तो लोग पहला तो बंदा मैं ये नहीं कहता कि तब भी नहीं मांगेगा ऐसे कमीने लोग जो फिर भी मांगेंगे happens, it happens. लेकिन संख्या कम हो जाएगी नंबर वन नंबर दो यदि मैं अपना नॉलेज शेयर करता हूं ठीक है हम गलती कहां करते एक ब्रोशर लेकर के या तो एक पेपर लेकर के निकल जाते हैं और उनको समझाना लैक ऑफ नॉलेज एंड स्किल नॉलेज नहीं मेरे पास आई डोंट हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ नॉलेज एंड स्किल उसको हैंडल कैसे करना ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे करना अगर ये नहीं है ना तो बंदा समझ जाता है ठीक है सारू चलो लो तुम्हारी पास थी पर मैंने आटलू कमीशन तो तुम्हारा आप पूछ पड़ से तो ये बेचारा फिर भी धंधा करने के लिए सो जाता है ठीक है डोंट डू दैट अब इसको हैंडल कैसे करना है लेट अस टॉक अबाउट पहली चीज हाउ टू ओवरकम कमीशन सबसे पहली चीज जो चाहिए ना वो चाहिए स्ट्रिक्ट एथिक्स चाहिए इसमें स्ट्रिक्ट एथिक्स नहीं इतले नहीं रीजन जिसे एक बार सो करके धंधा लेने की आदत हो गई ना वो बार बार सोएगा ही एक बार जिसको आदत पड़ गई सस्ते तरीके से काम करने की छिछोरे तरीके से काम करने की वो उसमें से बाहर निकल ही नहीं सकता मेरे को कई सारे ऐसे जन मिलते हैं कि बोले सर अमेज आदत पाड़ी है हमें हमारे शू करवा लू जहां हजारों और उसमें होता भी क्या मालूम है आप देखना जब भी आप किसी जगह से आप टी शर्ट लेकर के आए केतुल आपने 40% डिस्काउंट में टी शर्ट ली अब मान लो कि राहुल इज योर फ्रेंड ही विल कॉलिंग टू बाय टी शर्ट फ्रॉम दैट शॉप तुम्हारा पहला सेंटेंस क्या होगा मालूम है 40% आपसे हो हमने लेना उतरे समझ में आ रहा है तो केतुल इज रिकमेंडिंग
a customer to that shop with a guaranteed 40% discount on that t-shirt. तो वैसा ही लोग मेरे को करते हैं. अगर मैंने केतुल को कमीशन देकर के उसका चेक उठाया, अब मैं बोलता हूँ केतुल भाई वो रेफरेंस थोड़ा सा, हाँ हाँ बोले मेरा फ्रेंड राहुल, और वो राहुल को बता भी देगा आनंदी आपसे पॉलिसी लेवानी हमने जोड़ दी लेवानी 50% ले. तो मैंने ऐसा धंधा करके कमा भी क्या लिया मेरे को ये बताओ. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आसान क्या मालूम है? सीखना, अपने आप को इतना मजबूत बनाओ. जिनकी काम करने की और सीखने की तैयारी नहीं होती ना, वो ये सब धंधों में घुसते हैं. तो स्किल और नॉलेज डेवलप करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सेलिंग स्किल करना, प्रोडक्ट नॉलेज अपना बढ़ाओ. तो पहला तरीका क्या है? स्ट्रिक्ट एथिक्स. नो मीन्स नो, नो मीन्स नो. डू यू अग्री? ना, नहीं. ठीक है, तो पहले तो मैं ये डिसाइड कर लेता हूं कि मैं, हेलो, मैं कमीशन देकर के धंधा नहीं करूंगा. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं क्लाइंट को बुरा लगे ऐसे बात करूंगा. ठीक है, ये मेरा अंदरूनी डिसीजन है कि मैं नहीं दूंगा. लेकिन अब बिना कमीशन दिए भी हां बुलवाने का और धंधा लेने का कार्यक्रम अपन चलाएंगे. नंबर दो, सेल्फ कॉन्फिडेंस. मेरा आत्मविश्वास बहुत ज्यादा होना चाहिए. वो आत्मविश्वास कहां से दिखता है मालूम है? डेवलप क्वालिटी, डेवलप पर्सनालिटी, प्रोडक्ट नॉलेज अपना बढ़ाओ, इफेक्टिव कम्युनिकेशन बढ़ाओ. मेरे डायलॉग में दम होना चाहिए. मैं जाऊंगा ना तो प्रॉपर मेरा बैग वैसा होगा, मेरे कपड़े वैसे होंगे, मैं टाई वाई पहन करके गया हूं. अगर मतलब अच्छा, दूसरा एक चीज ध्यान में रखना, ये कमीशन मांगने वाले जो लोग होते हैं ना, वो जनरली हाई प्रीमियम में ही आपको बहुत परेशान करते हैं. 25,000, 50,000, 1,00,000, वो छुटक मुटक प्रीमियम देने वाले तो ज्यादा से ज्यादा क्या बोलते मालूम है? पहलो अब तो तुम्हें भर दे. ठीक है, उनकी ये भाषा रहती है. लेकिन हाई प्रीमियम देने वाले जो होते हैं ना, 1,00,000 दे रहे, तो उनके लिए तो 50% का मतलब 50,000 रुपए हुए. समझ में आ रहा है? 50,000 रुपीज. तो उनको लगता है कि चलो पहले तो LIC हमें पागल तो पूछू आपका नहीं है, वधारे हथियार ले लिए. ठीक है, तो उस आदमी से वो इस प्रकार से बात करता है. किसको? जिसके पास में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, पर्सनालिटी नहीं है. जब भी इस प्रकार के हाई प्रोफाइल के कस्टमर के पास में जाते हो ना, गो इन अ प्रॉपर ड्रेस अप, तैयारी करके जाओ, प्रोडक्ट नॉलेज लेकर के जाओ, अपना प्रेजेंटेशन भी जो तुम देते हो वो बढ़िया सा दो, कस्टमर के साथ में ट्रस्ट बिल्ड करो, विश्वास बनाओ उसके साथ में. ठीक है, जब आप उसके घर में जाए, मालूम हो कि बच्चे हैं, चॉकलेट लेकर के चले गए, मालूम है कि बुजुर्ग है, जाते ही पैर छू लिए, मालूम है कि उसके पिताजी को डायबिटीज की प्रॉब्लम है, तो कोई ऐसी चीज बता रही उनको कि ये सर आप ये करेंगे तो आपको इससे ये फायदा होगा. बिल्ड ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप विद कस्टमर. वन मोर थिंग इज प्रेजेंट पर्सनालिटी एंड प्रोफेशनलिज्म. अपने चेहरे पर स्माइल रखिए. कम्युनिकेट करना तो ऐसे करे कि बंदा आपसे कोई उल्टी सीधी बात करने की हिम्मत ना करे. प्लीज समझने की कोशिश करें. अगर इस बीमारी से आपको बीमार बाहर आना है, घुसे रहना है, आई डोंट माइंड. देते रहो, देते रहो, देते रहो. कभी ऐसा दाव होगा ही होगा कि कस्टमर को 50% तुम दे चुके हो, दूसरे साल में उसका डेथ हो गई, क्लेम निकल गया, ना प्रीमियम जा रहा है, ना जिस 5% की लालच में तुमने अभी 50% दिया था, ना वो आएगा ना ये आपके रहेगा. इसको रोकना, इसके बगैर करना. तरीके क्या क्या है? प्लेजेंट पर्सनालिटी एंड प्रोफेशनलिज्म. वन मोर थिंग इज स्किल टू आंसर एंड सॉल्व द ऑब्जेक्शंस ऑफ कस्टमर. जिस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे अपन ने बात की, अगर मैं उसको प्रॉपर तरीके से हैंडल कर रहा हूं तो भी मेरे को ये कमीशन के चक्कर से बाहर निकलने का चांस है. प्रोवाइड सरप्राइजिंग सर्विसेज. उसको कुछ ऐसे सर्विसेज दो. मान लो कि आपके किसी कस्टमर के घर में बेटी की शादी है. मैं अचानक वहां पर पहुंचा एक दिन शाम को, साथ में मेरे बेटे को या किसी को लेकर के गया, एक्टिवा लेकर के. मेरे पास में कार है. मैंने वहां जाते ही, केतुल भाई एक बुजुर्ग आदमी है, उनकी बेटी की शादी है. मैंने वहां जाते ही अपनी गाड़ी की चाबी केतुल भाई को एक अलग कमरे में बुला करके उनके हाथों में दे दी. बोले केतुल भाई आपके घर में शादी है, आपको गाड़ी की आवश्यकता रहेगी, आप ये गाड़ी 2-4 दिन जब तक आपका मन करे अपने पास में रख लो. मैं इसीलिए मेरी वाइफ को लेकर के आया हूँ. मैं मेरी दूसरी गाड़ी से या तो एक्टिवा से मैं निकल जाऊंगा. और भी मेरे लायक कोई सेवा हो तो जरूर बताइए. इसे कहते हैं सरप्राइजिंग सर्विस. कभी किसी कस्टमर के वहां पर उनको डॉक्टर की जरूरत थी, अपन डॉक्टर लेकर के पहुंच गए, पैसे भी अपन ने दे दिए. देखो ऐसे थोड़े थोड़े पैसे अगर खर्च करोगे ना, तो एक ज्यादा एक साथ में 50% देने की जरूरत नहीं पड़ेगी. नंबर वन.
रिलेशनशिप बनाओ कस्टमर के साथ में स्ट्रांग. उसकी मैरिज एनिवर्सरी है, गो देयर पर्सनली. फोटो मत भेजो, वहां पर जाओ भूखे भूखे लेकर के, अपनी वाइफ को लेकर के जाओ, है ना, फॉर वन ऑफ द बेस्ट कस्टमर ऑफ माई प्रोफेशनल करियर, मिस्टर एंड मिसेस केतुल. सरनेम क्या है? Mr. and Mrs. Ketul Talsania, you are the greatest couple. God bless you. Live long, healthy and prosper life. ऐसा बोलकर के अपनी वाइफ को लेकर के जाऊंगा बुके और नीचे केक. Let us celebrate, sir. एक सरप्राइज है आपके लिए, है ना. खिलाया, फोटो वोटो खींचा, बढ़िया हो गया. इमोशनल अटैचमेंट बनता है. जब इस प्रकार की सर्विसेज देने की मेरी तैयारी हो ना, इस प्रकार के सरप्राइजिंग सर्विसेज देकर के कस्टमर के साथ में रिलेशनशिप बनाने की मेरी तैयारी हो, तो मेरे को इस बीमारी में घुसना नहीं पड़ता. Are you getting my point? Yes. Immediately अपनी तैयारी बताओ. कभी किसी सोसाइटी में जाकर के वहां के बच्चों का 10th और 12th में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, आपको पता चला आप उन सभी लोगों के लिए अनजानी सोसाइटी है, कोई आपका रहता नहीं है वहां पर, लेकिन आप एक शानदार सा रोस्टिक और एक पेन 20-25-30 रुपए वाला आप लेकर के निकले, उस सोसाइटी में घुस गए और उनको वहां पर पूछा कि भैया यहाँ पर ऐसे जितने भी बच्चे जो 10th और 12th में पढ़ते हैं उनको शुभेच्छा देना चाहते, ठीक है. आप वहां पर गए और आपने इस प्रकार से सबको, सबके घर में जाकर के दिया और साथ ही साथ अपना एक विजिटिंग कार्ड भी दिया. सर ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपके परिवार से. बेटा गॉड ब्लेस यू और ईश्वर करे तुम बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाओ. बस इतना और कोई धंधे की बात नहीं. विमो जो तो मैंने कह जो नाम बस बोलो चुप रहे और बोलवा नहीं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कोई लालच नहीं, तुमने अंदर थी फंसे बोलू 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 नहीं बोलवा, कंट्रोल करो. Okay? Can you do that? ऐसी कई सारी चीजें हैं सर, ठीक है. एक बार 4-5 एजेंट ने मिलकर के प्रोग्राम बनाया कि भैया इस सोसाइटी के अंदर जितनी भी बुजुर्ग महिलाएं हैं और बुजुर्ग लोग हैं, उन लोगों को एक बार लेकर के चलो अपन लेकर के चलते हैं मोड़ी. 4 एजेंट ने मिलकर के व्हीकल की अरेंजमेंट कर ली और उन सोसाइटी के लोगों को बोले सर हम लेकर के जा रहे हैं, ठीक है. बस हम ऐसे ही, मतलब हमें बड़ा अच्छा लगता है, हम ऐसे सर्विसेज देते हैं, ठीक है. एक दिन आपके माँ बाप हमारे माँ बाप हुए, हम इनको एक दिन मोड़ी लेकर के जाना चाहते हैं. इन द मेमोरी ऑफ माय पेरेंट्स, मैं अपने माँ बाप की याद में ये करना चाहता हूँ. यू डोंट, इफ यू डोंट माइंड. बोले नहीं नहीं बिल्कुल लेकर के जाए, है ना. बढ़िया सा सर्विसेज दिया. अभी धंधा नहीं मिला, लेकिन इस प्रकार की सर्विसेज के बाद में व्हेन यू प्रपोज इंश्योरेंस इन टू दैट सोसाइटी, डू यू रियली थिंक कि कोई तुमसे कमीशन मांगने की हिम्मत भी करेगा? नॉट पॉसिबल. तो पहले थोड़ा इन्वेस्ट करोगे ना तो बाद में ज्यादा देना नहीं पड़ेगा. सिंपल फंडा ही. सर्विसेज से ही दुनिया को जीता जा सकता है, सेवा से ही. तुम्हारी कंपनी का सबसे बड़ा एजेंट भरत पारेख साहब, आज भी उसका नागपुर के अंदर मोर देन 8 एम्बुलेंसेस उनकी चलती है, सेवा देते हैं लोगों के वहां जाकर के. अनजाने किसी की डेथ हो गई, बैसना है किसी का, ऐसे ही पहुंच जाना है उधर, अपन भी जा सकते हैं. संडे मॉर्निंग बैसना रखा हुआ है, 9 से 11 का टाइम है. डोंट गो एट 9 और 9:30, गो आफ्टर 10:30. पौने 11-11 के बीच में जाना है, आवा वालों लोट पति को बदो, ठीक है. फिर वो घर वाले अकेले बैठे रहते हैं फोटो के अगल बगल में. अपन वहां पर जाएंगे, फूल बूल चढ़ाए, 20 रुपए का नोट रखा और प्रणाम किया. अब घर वालों की खोपड़ी में चल रहा है, सर ये कौन आज हुए नहीं क्या रही, ठीक है. फिर क्या करना है, 2 मिनट उधर शांति से बैठ करके लास्ट में वो घर वालों के पास में जाना है. बोले मुझे मालूम है आप मुझे नहीं जानते, आप ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं हूं कौन. मैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कंपनी की तरफ से हूं, मेरा नाम आनंद ठाकर है, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है. जिन लोगों के परिवार में किसी की डेथ हो जाती है, यदि उन्होंने LIC से कोई इंश्योरेंस करवाया है, तो उनका क्लेम सेटल करने में और क्लेम के पैसे लेने में आपके परिवार को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए, उसके लिए मैं अपनी सेवा देना चाहता हूं और यही श्रद्धांजलि देने का मेरा तरीका भी है. आप मेरा कार्ड रखिए, 10-12 दिनों के बाद में जैसे ही आप लोग फ्री हो जाते हैं, अगर मेरे लायक कोई सेवा हो तो आप मुझे जरूर दीजिएगा. नमस्कार, जय श्री कृष्ण, इतना बोलकर के निकल जाओ. दिस इज कॉल्ड सेवा. बैसने का इस्तेमाल ऐसे किया. अपन भी देखते हैं ना गुजरात समाचार में रोज बैसना, अपन क्यों देखते हैं? अपड़ू कोई शेर ना अला जे जे बद्दा तारा छे कस्टमर. समझ में आ रहा है? ये करो तो सही सर.
या अगर मैं ऐसे परिवार में जाऊंगा, डू यू थिंक ये मेरे से कमीशन मांगेंगे? नो, क्योंकि मैं सेवा देने के लिए गया। तो सस्ते भाव वाला बनने से बेहतर है सेवा भाव वाला बनो, धंधा मस्त होगा। ओके, वन मोर थिंग, मेक इमोशनल अटैचमेंट्स एंड बी ए फैमिली मेंबर ऑफ योर क्लाइंट। जैसा मैं पहले ही बता चुका हूं कि कस्टमर को कस्टमर बना करके मत रखो, रिलेशनशिप बनाओ स्ट्रॉन्ग। फालतू में अपने साले वाले को फोन करने से बेहतर है रोज दो तीन पुराने कस्टमर को फोन किया जाए। मालूम है कि उनके घर में शादी है, अपन वहां पहुंच गए कोई काम हो, 10-20 हजार रुपए की ऑफर भी की कि साहब मतलब पैसों की भी कोई रिक्वायरमेंट हो, आपका छोटा भाई समझ करके जो भी चीज हो मेरे को बता दीजिएगा और मेरे लायक कोई भी काम हो, और जाइए उस दिन शादी में सुबह से शाम तक वहां रहना है, सेवा करिए उनकी। इतने लोग मिलेंगे आपको, यू वोंट बिलीव। अगर वो किसी को इंट्रोड्यूस भी कराएंगे तो कैसे कराएंगे आपके लिए कि आज वो आनंद भैया हमारा मतलब इंश्योरेंस एजेंट था पहला, हवे अपना परिवार ना सदस्य है, ना अमेजिंग मानस है, ठीक है, मेरे को नई नई पहचान भी मिल रही है, लेकिन ऐसा करना पड़ेगा। ये सब नहीं करता हूं तो व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वे टू गेट बिजनेस? ऑफर कमीशन, सिंपल है। जो डांस सीखना नहीं चाहती, जो एक्टिंग सीखना नहीं चाहती, जो डायलॉग में कैसे उठान और ढलान लाने चाहिए वो सीखना नहीं चाहती, जो मार्शल आर्ट सीखना नहीं चाहती वो हीरोइन क्या सीखती है? द सिंपलेस्ट वे टू गेट द रोल इन द फिल्म, सो जाओ, आसानी से मिलेगा। एंड दिस इज हाउ द पीपल इन इंडस्ट्री, LIC इंडस्ट्री आर डूइंग बिजनेस। क्या आप उस जमात में से एक बनना चाहते, ये सस्ती जमात का हिस्सा बनना चाहते? नो, देन प्रिपेयर योर सेल्फ, प्रिपेयर योर सेल्फ प्रोफेशनली, गेट दैट प्रोफेशनल अप्रोच। कैन यू डू दैट? आर यू रेडी? आर यू रेडी? है ना, उसके लिए जरूरी है कि जज्बा हमेशा बना कर। ओके, और एक चीज, एक्सप्लेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विसेज व्हेन कस्टमर ट्रूली नीड्स एडवाइजर। उन्हें समझाइए कि बोले सर एक कस्टमर की जिंदगी में एडवाइजर की अहमियत क्या है, Why you need an advisor? Number one, at the time of maturity. Number two, at the time of claim. Number three, at the time of surrender. जब सर आपकी जिंदगी में वाकई में पैसों की ऐसी जरूरत आन पड़ेगी कि जब आपको पैसे चाहिए ही चाहिए, उस समय पर भी उस पॉलिसी को सरेंडर करने के लिए आपको एडवाइजर की सर्विस, एजेंट की सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी। Number four, at the time of loan. सर ईश्वर ना करे कि आपको लोन की आवश्यकता है, आपके किसी क्रेडिट कार्ड के लफड़े के कारण बैंक वाले आपको लोन नहीं दे रहे हैं, दूसरों का आगे का चुकाया नहीं है इसलिए लोग मदद नहीं कर रहे, उस समय पर यह कॉरपोरेशन है जो आपका सिविल रिकॉर्ड चेक किए बगैर भी आपके भरे हुए पैसों के आधार पर भी आपको लोन देने को तैयार है, लेकिन वो लोन लेने के लिए यू रिक्वायर एन इंश्योरेंस एडवाइजर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट माय डियर फ्रेंड्स, एट द टाइम ऑफ गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज, कभी आ गया आधार लिंक करना है, कभी आ गया पान कार्ड लिंक करना है, बोले सर ये कुछ ऐसी छोटी छोटी सर्विस रहती है जिसके लिए भी आपको एडवाइजर चाहिए। अब बोले सर मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि जिस एजेंट से आपने उसकी कमीशन मार ली, जो आपके बच्चों को सुरक्षित करने आया था, आपने उसके ही बच्चों को असुरक्षित कर दिया, वो आपको इस मैच्योरिटी के लिए, सरेंडर के लिए, लोन के लिए, क्लेम के लिए क्यों आपकी मदद? मैं आपको मुंह पे बताता हूं, यदि मैं आपका एजेंट हूं, ठीक है, यदि मैं आपका एजेंट हूं और आपने मुझसे 50% कमीशन ली हुई है, मैं आपको मुंह पे बता, आई कैन हैव दिस बिजनेस, मैं अब भी आपसे चलिए मैं 50% डन करता हूं, मैं बिजनेस लूंगा, लेकिन ये पांच चीजों में आई विल नेवर गिव यू सर्विसेज। मैं बोल रहा हूं जिनसे आप लोगे वो बोलेंगे नहीं, अंतर इतना ही है। और बोले सर अगर एक नैतिकता जैसी कोई चीज हो तो एक चीज में आखिरी में ये कहना था, जब अचानक आप नहीं रहेंगे तो ये घर जो लोन पे चल रहा है, ये गाड़ी जो लोन पे है, ये टीवी जो लोन पे है, ये बच्चे जो एजुकेशन लोन लेकर के पढ़ रहे हैं, आपके ना रहने के बाद आपके परिवार का कोई भी व्यक्ति इन लोन को भरपाई करके इस परिवार को संभालने के लिए कोई मदद नहीं करेगा, उस समय पर ये आपका भाई जो है ना, जो सगा नहीं है, LIC के माध्यम से आपको मिल रहा है, मुंह बोला भाई, ये मुंह बोला भाई आज बोल के जा रहा है कि जब आप नहीं रहेंगे
ये परिवार की पूरी जिम्मेदारी मैं उठाने को तैयार हूँ। ये मैं इस वजह से बोल सकता हूँ, सर मैंने तो यहाँ तक किया हुआ है कि यदि मेरे क्लाइंट है कमलाबेन दंतानी बोल करके, उन्होंने मेरे से 2 लाख रुपए का पॉलिसी लिया था, उनके हस्बैंड ने, उनकी डेथ हो गई, 8-10 साल हो चुके थे, उनकी डेथ हो गई तो पॉलिसी का क्लेम का पैसा आए, उससे पहले मैं कमलाबेन दंतानी के घर पे 2 लाख रुपए का चेक देकर के आया था कि वो तो आएगा ही आएगा, अब बिंदास तब तक ये रखो मेरा चेक है, आप उसे इस्तेमाल करो। बोले सर दिस इज हाउ आई सर्व माई क्लाइंट्स बिकॉज आई नो मेरी कंपनी देगी ही देगी, मुझे कोई डाउट नहीं है, तो मैं पहले मैं दे देता हूँ। मेरे ऐसे कई सारे कस्टमर है कि सर जिनके बच्चों को विदेश जाने के लिए कभी 50,000 लाख रुपए की आवश्यकता रहती है तो मैं उनको मदद करता हूँ और वो फिर बाद में मुझे लौटा भी देते हैं बिकॉज मैं लोगों से सर रिश्ते बनाता हूँ, धंधा नहीं करता। सर बुरा ना मानिएगा, धंधा करने वाला तो कोई भी मिल जाएगा, अगर रिश्ता बनाना हो ये नंबर है, कभी भी कॉल कर लेना। इतना बोलना।